बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल वाला कुरलुस उस्मान का जो एपिसोड था बहुत इंटरेस्टिंग था। आज देखते हैं आज क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो एपिसोड करेंगे आज हम, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सरदार बनकर नहीं आया, आज अल्लाह की राह में लड़ने आया। आज मैं आपके साथ ही तलवार था मैं खड़ा, ये एक बहुत अजीम जंग होगी। अगर आप शहादत नहीं चाहते और अपने अहले खाना के साथ रहना चाहते हैं तो वापस जा सकते हैं आप लोग। और अगर जंग चाहते हैं तो ये रहा मैदान और ये रहा दुश्मन। आपको मालूम होना चाहिए, मैं जब तक फतह या शहादत तक नहीं पहुंचता, जंग के मैदान को छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। बेवकूफ अपने खुदा का नाम पुकारते हुए मरेंगे। पता चलेगा बेटे तेरे को अंकल ज्यादा बोल रहा है। अंकल आजकल दिखाना पड़ेगा इनको। सुल्तान कोनिया चला गया है लेकिन उस्मान ने हिम्मत नहीं हारी। वो कभी हार नहीं मानेगा, कभी भी नहीं। तो फिर एक खूनी फतह हमारी मुंतजर है निकोला। देखते हैं आज हम मैदान में खूनी फतह जितने कमांडर होंगे। हाँ अब हम देखते हैं कि इस तरह कहां जा रही हो सोया। यकीनन मुझे पता चल जाएगा। भाई कल लात मारी। डर रहे हो, घबरा गया वो पूरा। क्या नाम है उसका, तुकास। तुकास की किसी को नहीं छोड़ूंगा।
भाग रहा था। हाँ अब उनके बाद हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं रहती। हम अपने सिपाहियों से पूरे बाजंतीनी लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ा इंतजार करो, उस्मान साहब आ रहे हैं, वो जरूर हमें कुछ बताएंगे। सबर। कुछ तो इन्होंने प्लान किया होगा। निकोला और दुकान जान चुके होंगे कि सुल्तान मसूद लश्कर को अपने साथ लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन तश्कील के बगैर हम उनसे लड़ेंगे। मैं अपने सिपाहियों के साथ उन काफिरों पर हमलावर हो जाऊंगा। कुंदूज भाईजान और उमर साहब हर किस मैदान जंग में सिपाहियों के साथ नहीं आएंगे, बल्कि जंगी हालात देख के असर नौ तश्कील देंगे। क्या आप इस बड़ी फौज पर दर्जन भर सिपाहियों के साथ हमला करेंगे उस्मान साहब? कोई शक नहीं होना चाहिए ईमान पे। जंग के शुरू होते ही मैं पीछे हटूंगा सिपाहियों को लेकर और बाज़ंतीनियों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। काफिरों के आहनी हथियार अलग अलग होकर बिखर जाएंगे। सिपाहियों पीछे हटो। इसको लग रहा है और फांदे आ रही है। तेरे सबर करो, करता नहीं तुम कुछ तो प्लानिंग है। वो देखने के लिए इन्हें फरार मत होने देना। हमला और बंदे रहेंगे। कुंदूज भाई अचानक आप घुड़सवारों के साथ दाखिल हो जाएंगे। तो भाई बोले आ गए। मस्त प्लानिंग है इन्होंने। फुफड़ आया है तुम्हारा फुफड़। सलाम करो उनको। वो ठोको बिको पता नहीं क्या आता है उनमें। अपने सिपाहियों के साथ दाएं तरफ से दाखिल हो जाएंगे, लेकिन तनहा बिल्कुल नहीं होंगे। ओ बॉय ये भी आ गए दोनों तरफ से। ये तो उसकी फौज है, अपने सुल्तानाची फौज।